अखबार में बाल गंगाधर तिलक ने एक लेख लिखा था, कोलावा में शिवाजी के टॉम का की हालत क्या है, क्या राष्ट्र ऐसे चलता है। और तिलक के एक लेख के आधार पर रायगढ़ जो कोलावा में है वहां उन टॉम्ब के पुनर्निर्माण का यज्ञ शुरू हुआ, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तरह हिंदुस्तान में फैल गया। जिस राष्ट्रवाद की लड़ाई बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, महर्षि अरविंद आजादी से पहले लड़ते रहे, जिसे कांग्रेस की वह धारा दबाती रही, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू करते रहे, उसी लड़ाई का पुनर्जन्म राम जन्मभूमि के आंदोलन के रूप में हुआ है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना का यज्ञ है और मुझे उम्मीद है कि भारत की संसद, भारत की सरकार और भारत की समाज मोहन भागवत जी के उस नैरेटिव को स्वीकार करेगी कि यह हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है। जो मुसलमान इस विवाद को हिंदू मुस्लिम विवाद मानते हैं, उन्हें इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि भारत की राष्ट्रीयता का आयाम यदि पूजा पद्धति से होगा तो आने वाले समय में भारतीय परंपरा में सैकड़ों हजारों पूजा पद्धतियां जन्म लेंगी। सिमेटिक रिलीजन्स में एक पूजा पद्धति आती है, वहीं से आदि और अंत होता है। भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन में पूजा पद्धतियों की कोई सीमा तय नहीं हो सकती है, जीवन मूल्यों की कोई सीमा तय नहीं हो सकती है। इसलिए ये आस्था, जीवन मूल्य, राष्ट्रीयता से ऊपर भगवान राम के मंदिर का निर्माण एक सभ्यता ही लड़ाई है। हम उस सभ्यता का निर्माण करने निकले हैं और उस सभ्यता की कड़ी आपको दक्षिण कोरिया में मिल जाएगी, आपको मलेशिया में मिलेगा, आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। वहाँ राम के नाम पर कोई विवाद नहीं है। अटल जी की का एक गूगल पर आप ढूंढेंगे, उनका एक छोटा सा स्पीच है। वे जब इंडोनेशिया गए, उनको कहा गया है, योर एक्सलेंसी आप रामलीला देखेंगे? तो अटल जी ने कहा कि यहाँ रामलीला? बोला हाँ, राम हमारे पूर्वज थे। तो जो इंडोनेशिया में राम को पूर्वज मानते हैं, भारत में पूर्वज नहीं मानते, उनके लिए यह समय है कि आत्मालोचन करें। और मैं इन्हीं बातों के साथ एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ। राजनीति की अपनी सीमाएं होती हैं। जो समाज अपनी व्यवस्था में जीता है, वो समाज कभी भी सम्मान के साथ नहीं जी सकता है। व्यवस्थाओं से निकलकर जब समाज आगे बढ़ता है तो राजनीति उसके पीछे चलती है, और भारतीय समाज ने सीख लिया है उन व्यवस्थाओं से आगे निकलने का, और समय आ गया है कि आगे निकलकर भगवान राम के मंदिर का निर्माण करें। जिसे साथ चलना है चले, जिसे पीछे छूटना पीछे छूट जाए। जय श्री राम।